कोई भी बच्चा या स्टूडेंट स्पीकर ऑन नहीं करेगा, ठीक है। चैट सेक्शन में जो चैट रूम है ना, उसमें आपने क्वेश्चन जो जो भी पूछना है साथ के साथ पूछना है, या जो वट एवर जो क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो वो आपने उसमें करना है, माइक ऑन नहीं करना, ठीक है। तो देखें, जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन एग्जाम जितने भी कंट्रीज के हैं, उनमें आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल का है, नॉलेज असेसमेंट जो फार्मेसी सिलेबस का है, कैप्स जो है, तो वो है। फिर सऊदी फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम SPLE है, और उसके अलावा जो है दुबई हेल्थ अथॉरिटी, फिर हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान, ठीक है, और कतर का एग्जाम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एग्जाम है, और जो है ना अपना इसी तरह अगर किसी का जैक लगता है तो वो USA का है, जो नेपलेक्स और FPGEE, FPGEE पहली स्टेज और उसके बाद ऑनवर्ड जो जो भी है। बहरहाल फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में पर्टिकुलरली विद इन पंजाब प्रोविंस जो है, जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज अनाउंस होती हैं उसमें भी, तो उन सारों को जो है ना सामने रख के, माइंड में रख के, तो हम लोगों ने ये किया इसको डिजाइन के सिलेबस में क्या क्या कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसमें बेसिक साइंसेज भी होंगी इंशाल्लाह, बेसिक मतलब सब्जेक्ट्स जो है फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मेसी प्रैक्टिस, हॉस्पिटल फार्मेसी का भी पोर्शन है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री और इस तरह से, तो वो सारी इंशाल्लाह है इंक्लूडेड इसमें। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि आई थिंक राउंड अबाउट कोई 3 मंथ्स के एवरेज कोई ये टाइम स्पैन रखा है इसका, डिजाइन किया है। तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड तो लेक्चर हो नहीं सकते क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम वो रूटीन में हमारा वो फार्माकोलॉजी का एक सेशन चलता है जनवरी से अगस्त या सितंबर तक, वो ये उस तरह से बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होंगे, ठीक है। इतने को होंगे कि आपका टेस्ट का जो है ना प्रिपरेशन हो, फिर साथ साथ चीजें लिखवानी भी होती हैं हमने आपको, तो वो भी आपने साथ साथ करना है। तो बाकी आपके माइंड में जो फिर मीनवाइल क्वेश्चन हो गए वो आप करना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल एक बेसिक सब्जेक्ट चीज टॉपिक से, जो कि आपके इसके लिखा हुआ है अक्सर रजिस्ट्रेशन एग्जाम जो है फॉरन उनका लिखा हुआ है कि ये जो है ना इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो हम उससे शुरू करते हैं। तो ये आता तो फिजियोलॉजी के अंडर है, लेकिन इसकी फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी वगैरह इकट्ठी चलेंगी, ठीक है। मोस्टली जो फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो फार्माकोलॉजी में जो उनकी इनकॉर्पोरेशन और उनकी रेलिवेंसी है ना, वो भी साथ साथ ही चलेगी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये ना हो कि पहले मैं एक सब्जेक्ट की फिजियोलॉजी एक टॉपिक की करवाऊँ, एक आर्गन की, तो उसके बाद फिर हम किसी और की करवाएंगे, यानी पहले फिजियोलॉजी करवाऊँ और फिर फार्माकोलॉजी शुरू करूँ, इस तरह से नहीं। जो टॉपिक आपको पहले जिसकी फिजियोलॉजी करवाई जाएगी, तो साथ के साथ नेक्स्ट में उसकी लेक्चर्स की कंजेक्टिवली फिर उसकी फार्माकोलॉजी भी करवाई जाएगी और पैथोलॉजी भी उसी के साथ ही करवाई जाएगी, मतलब एक आर्गन उसका सब कुछ, ठीक है। ताकि दरमियान में कोई और टॉपिक आके तो आपको इंटरप्शन करके वो सारा आपको जो है ना डीरेंजमेंट्स पैदा ना करे आपके ब्रेन में। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। देखें, आपने आपको मे बी अपनी FSC की याद हो थोड़ी बहुत, कि उसमें आपने पढ़ा था ना एंजाइम्स का चैप्टर, FSC बायोलॉजी फर्स्ट ईयर उसका थर्ड चैप्टर एंजाइम्स, तो पढ़ा होगा आपने कि एंजाइम्स वर्क एट एन ऑप्टिमम pH, हर एंजाइम को वर्किंग के लिए एक ऑप्टिमम pH चाहिए। अब पूरी बॉडी के अंदर जो सप्लायर है दैट इज ब्लड, तो ब्लड की pH बाकी बॉडी ऑर्गन से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। इसकी जो ब्लड की जो pH है ना, pH ऑफ ब्लड जो है वो आपको मुख्तलिफ वैल्यूज मिलेंगी मुख्तलिफ रेफरेंसेस से, यूजुअली वो कंसीडर होती है 7.35, लेकिन इसको सम सोर्सेस के अकॉर्डिंग 7. जो है ना 32 भी रखा हुआ है, और एक रेंज बनाई हुई है 7.42, 7.32 से 7.42। कुछ लोगों ने जो कुछ जो सोर्सेज हैं जो बुक्स हैं
या जो अथेंटिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जो दी हुई है, कुछ ने 7.40 भी दी हुई है, कुछ ने 7.30 भी दी हुई है, कुछ ने 7.35 भी। बहरहाल जो मुतफिका है ना वो ऑलमोस्ट इतनी आपको शायद मिले, ये एक रेंज मिले आपको। फिर एक और भी रेंज जिसकी ये आपने चीजें साथ साथ नोट करते जाएं, ये रजिस्ट्रेशन एग्जाम में ये वैल्यूज भी पूछी जाती हैं। रजिस्ट्रेशन एग्जाम जो पर्टिकुलरली जो कैप्स है ना वो, और सऊदी लाइसेंसिंग एग्जाम और हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, ये जो तीन एग्जाम मैंने बोले हैं, ये तीनों के तीनों एक इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है पियर्सन व्यू, वो कंडक्ट करता है। पियर्सन व्यू, पियर्सन व्यू, ठीक है, ये इदारा कंडक्ट करता है। इनके पास कमाल के एग्जामिनर हैं, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, और वो कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई क्वेश्चन बैंक काम नहीं आता, आपने मेहनत करनी है तो पास होना है, ठीक है। एनीवेज तो ये कुछ रेंजेस हैं, इनमें से जो भी आपके सामने आए तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अब सो क्वेश्चन ये है कि ये क्यों कैसे बैलेंस की जाती है, इसको कहते हैं एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, कि हाउ इज दिस पीएच मेंटेन्ड, इसको इस पीएच वैल्यू को कैसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अल्लाह ताला ने कहते हैं कि जो दुनिया पूरी में सबसे ज्यादा जो मोस्ट स्टेबल बफरिंग एक्शन दिया है ना, वो ब्लड को दिया हुआ है, मोस्ट स्टेबल बफर या मोस्ट एफिशिएंट बफर, मोस्ट एफिशिएंट बफर ब्लड होता है, ये सबसे ज्यादा पावर अल्लाह ताला ने इसमें रखी है कि ये अपने अंदर कोई भी पीएच की माइनर चेंजेस को एडजस्ट कर लेता है। बफर क्या होता है, बफर क्या होता है, अ सॉल्यूशन, आर सॉल्यूशन कह लें या सिस्टम कह लें, अ सिस्टम, ठीक है, अ सिस्टम दैट हैज द एबिलिटी, दैट हैज द एबिलिटी टू एडजस्ट चेंज इन पीएच, इसे कहते हैं बफर। तो ब्लड मोस्ट एफिशिएंट बफर कंसीडर होता है। आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि जो ब्लड होता है ना उसमें एक एसिड होता है, उसमें एक और एक बेस होता है, तो वो बफरिंग कैपेसिटी शो करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतना सिंपल नहीं है ब्लड का बफरिंग एक्शन जो वो शो करता है, इतना सिंपल नहीं है। वो पीएच को एडजस्ट करने के लिए जो अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी में सिस्टम रखे हैं वो तीन है, थ्री लाइंस ऑफ थ्री लाइंस ऑफ बफरिंग, जो ह्यूमन बॉडी में या ब्लड में जो बफरिंग एबिलिटी है वो थ्री डिफरेंट लाइंस है, ठीक है, लाइंस कह लो या लेयर्स कह लो या आप ये कह लो फोर्सेस। तो पहले नंबर पे जो फोर्स आती है वो ब्लड के अंदर खुद उसके अंदर सिस्टम है, केमिकल बफरिंग सिस्टम या केमिकल बफरिंग सिस्टम, केमिकल बफरिंग सिस्टम। फिर उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी बफरिंग, अच्छा और फिर आता है रीनल, या इसको मेटाबॉलिक भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक बफरिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए कोई भी बफरिंग सिस्टम हो ना वो आमतौर पे कॉम्बिनेशन होता है या कलेक्शन या कॉम्बिनेशन होता है, बफरिंग सिस्टम जो होता है कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स में नॉर्मली दो आपस में एंटागोनाइजिंग जो है ना कंपाउंड्स लाजमी होते हैं, जिनमें से एक एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है, ठीक है। बहरहाल तो ये तीन सिस्टम्स हैं बफरिंग जो कि ब्लड की, या ब्लड सिर्फ ब्लड नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड भी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड की पीएच भी इसी में मेंटेन होनी है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड
और ब्लड, ये इनकी पीएच है, ब्लड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की पीएच। तो इनको मेंटेन इन थ्री डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स के थ्रू रखा जाता है। तो हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं कैसे, फिर आगे चलेंगे इनकी डिजीजेस को कि उसमें क्या होता है। जो क्वेश्चन हुआ आपने यहां पे करना है चैट सेक्शन में। अच्छा जी, फर्स्ट आ जाएं केमिकल बफरिंग सिस्टम, ये कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या कुछ होता है। केमिकल बफरिंग, देखिए ह्यूमन ब्लड में दो एंटागोनिस्टिक कंपाउंड्स होते हैं, एक एसिडिक या एसिड और दूसरा बेस। अच्छा, एसिड और बेस पहले थोड़ा सा सुन लें कि ये क्या चीजें हैं। जो एसिड होता है दैट हैज द एबिलिटी, एसिड किसे कहते हैं, एनी केमिकल एंटिटी या सब्सटेंस दैट हैज द एबिलिटी टू लिबरेट या रिलीज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या फिर टू एक्सेप्ट और टू एक्सेप्ट हाइड्रोक्सलाइन, इसे कहते हैं एसिड। और फिर दूसरा बेस, इसके अपोजिट है क्या, दैट हैज द एबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोक्सलाइन और टू एक्सेप्ट। अगर आप ये देखें ना तो ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। एसिड को देखें तो या तो वो हाइड्रोजन आयन अपने में से लिबरेट कर दे या हाइड्रोक्सल आयन को अपने साथ अटैच कर ले, और बेस जो है वो ऑपोजिट है, या तो वो हाइड्रोक्सल आयन लिबरेट करें या हाइड्रोजन आयन जो है ना वो अपने साथ अटैच कर ले। तो अच्छा, अब इनमें फिर आगे टाइप्स हैं, वीकली एसिडिक या वीक एसिड और वीक बेस स्ट्रांग एसिड, इसी तरह बेस में भी है वीक बेस या स्ट्रांग बेस। ठीक हो गया। तो अब ये जो ब्लड के अंदर जो बफरिंग सिस्टम है, जो एसिड और बेस मौजूद है, दोनों ही वीक है, दोनों ही वीक है, स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। जो एसिड मौजूद है, एसिड एक वो है कार्बोनिक एसिड H2CO3, और जो बेस मौजूद है वो है HCO3-1, ये दोनों वीक है। H2CO3 जो एसिड के नेचर है, जो एसिड है वो वीक एसिड है, और जो बेस है वो भी वीक है, तो ये दोनों वीक है। और ये भी अल्लाह ताला की इसमें बड़ी हिकमत है, अगर ये वीक ना हो स्ट्रांग हो। अच्छा, वीक का मतलब क्या होता है और स्ट्रांग का मतलब क्या होता है। स्ट्रांग एसिड वो होता है जो रैपिडली या इजीली लिबरेट कर दे हाइड्रोजन आयन या एक्सेप्ट कर ले हाइड्रोक्सल आयन, यानी ये जो 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 इजीली आयोनाइज हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोक्सल आयन ले तो यूजुअली आयोनाइज ही होते हैं ये, ठीक है, वट एवर। तो स्ट्रांग एसिड वो है जो इजीली या रैपिडली हाइड्रोजन आयन लिबरेट कर दे या हाइड्रोक्सल आयन एक्सेप्ट कर ले। इसी तरह जो वीक है वो इजीली लिबरेट नहीं करता, वीक एसिड वो होता है जो इजीली हाइड्रोजन आयन लिबरेट ना करे या हाइड्रोक्सल आयन एक्सेप्ट ना करे। सेम केस बेस में है कि जो इजीली लिबरेट कर दे हाइड्रोक्सल आयन या इजीली हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो वो वीक वो स्ट्रांग होता है। और जो इजीली मुश्किल से, मतलब इजीली ना करे यानी मुश्किल से हाइड्रोजन आयन को अपने में से जो है ना अपने साथ अटैच करे या हाइड्रोक्सल आयन को लिबरेट करे तो वो वीक होता है, यानी वीक का मतलब विद डिफिकल्टी। ये जो डेफिनेशन आपने बेस की पढ़ी है, अगर ये डिफिकल्टी के साथ, मुश्किल से आसान, मुश्किल के साथ ये ऐसा वाकया हो किसी केमिकल का तो वो बेस वीक होती है, और अगर इजी हो तो वो स्ट्रांग होती है। इसी तरह इधर भी है, जो वीक है वो डिफिकल्टी के साथ इस डेफिनेशन को पूरा करती है और उतरती है इस पे, और जो स्ट्रांग है वो इजीली, ठीक है। अब ब्लड में जो दोनों मौजूद हैं, ये दोनों वीक है, बाइकार्बोनेट और H2CO3। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे देखिए, बफरिंग जो होती है वो इन दोनों की वजह से होती है। वैसे तो ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन बहुत मौजूद है और हाइड्रोक्सल आयन भी मौजूद है, ठीक है,
अब ये हाइड्रोक्सल आयन या हाइड्रोजन आयन ये अवेलेबल है फ्रीली या अवेलेबल हैं इजीली इन बॉडी टिश्यूज। देखें बॉडी टिश्यूज का मतलब क्या है, इसमें ब्लड भी आ जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड भी आ जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का मतलब क्या है, टिश्यू कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड टिश्यूज मतलब टिश्यूज। ठीक है, बॉडी टिश्यूज में सारा कुछ आएगा, ब्लड कंपार्टमेंट भी आएगा और टिश्यू कंपार्टमेंट भी आएगा। अब हाइड्रोक्सल आयन भी वहां पे हर जगह अवेलेबल होते हैं, हाइड्रोजन आयन भी अवेलेबल होते हैं। इनकी अल्लाह ताला ने एक अपना जरूरत पैदा की है बॉडी में, क्यों, क्योंकि ये इनके बड़े फंक्शन है। मैं इनके फंक्शन पे तो अभी फिलहाल नहीं जा सकता, सिंपल कहूँ तो एंजाइम्स के लिए ये को फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। सबसे अगर इजी मैं आपको इनका वो फंक्शन बताऊं तो मोस्ट कॉमन एज को फैक्टर फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, और एंजाइम के बगैर बॉडी में कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन है, क्या बॉडी के अंदर हर इनकी कंसेंट्रेशन चेंज हो सकती है कि नहीं? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन जो है इनकी कंसेंट्रेशन एवरी सेकेंड पॉसिबल है कि चेंज होती होगी हर इंसान में? आ जाती मेरी, किसी को नहीं आइडिया कि क्या यह पॉसिबल है कि इनकी कंसंट्रेशन बॉडी में? आई थिंक यस। देखे मेरी बात सुने, H+1 और हाइड्रोक्सल आयन जो OH-1, नहीं बफरिंग पर्पस नहीं, बफरिंग इनकी होनी है। एक बात मेरी जहन में रख लें, ये जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन है ये बफरिंग नहीं करने लगे, इनकी खुद बफरिंग होनी है। इनकी वजह से ही तो पीएच खराब होती है मोस्टली, और भी बड़ी रीजन है ब्लड की भी और बॉडी टिश्यूज की पीएच जो डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी रीजन है। देखें ये वाटर से बनते हैं। अब हमारी बॉडी के हर ऑलमोस्ट सेल में बायोकेमिकल प्रोसेसेस चलते हैं, जिसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस चलते हैं, उन बायोकेमिकल प्रोसेसेस, कोई ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है जिसके डिफरेंट स्टेप्स में वाटर की कंजप्शन ना होती हो, वाटर मॉलिक्यूल्स यूज ना होते हो या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ना होते हो। अब जब वाटर की इन्वॉल्वमेंट हर सेलुलर प्रोसेस में है, तो ऑब्वियस बात है कि वहां पे उसकी ब्रेकडाउन से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे। फिर आप डेली रूटीन में जो आप अपना डाइट लेते हो, इवन बॉडी के एक्सटर्नल जो जो टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी के, आप जहां पे रहते हो वहां पे एक्सटर्नल जो टेम्परेचर होता है उसकी चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी से इवेपोरेशन भी होती है हल्की सी। अगर 1 ml, एक बात मेरी जहन में रखें, अगर 1 ml भी इवेपोरेशन हो ना बॉडी से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, तो उसमें उसकी वजह से भी बॉडी में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की जो कंसंट्रेशन या रेशियो है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो एट एवरी मिली सेकेंड इवन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन बदलती रहती है। समझ आई बात की? तो इनकी कंसंट्रेशन की ये तब्दीलियों की वजह से ब्लड या बॉडी टिश्यूज की पीएच डिस्टर्ब हर वक्त होने की कोशिश करती है, हर वक्त होने की। याद रखिएगा, बॉडी टिश्यूज की जो पीएच है एट एवरी मिली सेकेंड, मैं मिली सेकेंड कह रहा हूं, पीएच चेंज होते होती रहती है, होने की कोशिश करती है। ये तो फिर बॉडी का बफरिंग सिस्टम है जो आप वन बाई वन अभी पढ़ने रह गए हो, और केमिकल बफरिंग पहले मैंने बोला है, तो ये सिस्टम है जो उसको चेंज नहीं होने देते। आप जब भी चेक करेंगे ना नॉर्मल एक इंडिविजुअल की ब्लड बॉडी पीएच, ब्लड पीएच, या क्योंकि ब्लड की पीएच रिफ्लेक्ट करती है एक्चुअली द टिश्यू पीएच, ब्लड की जो पीएच होगी इनडायरेक्टली या प्रोपोर्शनली टिश्यूज की पीएच भी वही होगी। अगर ब्लड की पीएच सही है तो टिश्यूज की पीएच ऑटोमेटिकली सही होगी, यूजुअली मेजोरिटी केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब बायोकेमिकल प्रोसेसेस की वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल आयन वगैरह की कंसंट्रेशन बदलती रहती है, उससे पीएच भी बदलने की कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाता, कौन नहीं कह होने देता, यही बफरिंग सिस्टम, केमिकल बफरिंग, रेस्पिरेटरी बफरिंग और रीनल या मेटाबॉलिक बफरिंग सिस्टम्स, जिनमें से हम पहला भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनको चेंज नहीं होने दिया जाता, इनकी वजह से पीएच को, दैट इज कॉल्ड बफरिंग एक्शन।
ठीक है, अब मैं आपको यहां पे एग्जांपल देने लगा हूं। एक और बात सुने कि सिर्फ यही नहीं है कि जिनकी वजह से ब्लड की पीएच चेंज होती है, चेंज इन ब्लड की पीएच, मैं लफज बोल रहा हूं मतलब बॉडी पीएच, ठीक है। तो बॉडी की जो पीएच है, बॉडी फ्लूइड्स की वो पीएच जो है, वो जो चेंज उसमें पैदा होती है इनकी वजह से, सिर्फ ये ही नहीं है, नॉट ओनली दीज, नॉट ओनली दीज वंस, देर आर मेनी अदर सर्टन बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, ठीक है, और बहुत सारी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो जिनकी वजह से जो पीएच है ब्लड या बॉडी टिश्यूज की वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो उनको वन बाय वन डिस्कस करना जरूरी नहीं, तो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, बाकी साथ एडिशनल और भी चीजें हैं, ठीक है। अब जो कॉमनली जो इन्वॉल्व है पीएच चेंज करने में वो ये हैं। अब हम देखना ये है कि ये बफरिंग जो कैपेसिटी है, केमिकल बफरिंग सिस्टम जो है इसका बॉडी का, वो कैसे एडजस्ट करता है पीएच को, चेंज जो होने लगती है पीएच उसको कैसे रोकता है चेंज होने से और नॉर्मल करता है या नॉर्मल रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि अगर ये डिस्टर्ब हो जाए दोनों में से, ये अगर बढ़ गया, ठीक है, की मतलब की हो रहा है, मसला की आ रहा है, मैंने मसला दस अच्छा, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक सिचुएशन आई जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब ये पीएच को करने की कोशिश करेगी, इसकी इंक्रीज होने की वजह से क्या पीएच होने की कोशिश करेगी, एसिडिक, एसिडिक होने की कोशिश करेगी, समझ आई बात की। अच्छा इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ब्लड का ये जो ये बफरिंग सिस्टम का जो ये कंपोनेंट है ना, ये एक्शन में आ जाएगा, ये इसको फौरन न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। कैसे, HCO3 जो है ना, जो बेस है बफरिंग सिस्टम का, जो कंपोनेंट है ना बेस, वीक बेस, वो क्या करेगा, इस एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन के साथ अटैच होके HCO3 माइनस वन प्लस एच वन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, कैसे, वाटर बना के और साथ CO2 ये बना देगा, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे ये बढ़ता है किसी वजह से, इसमें इंक्रीज आती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर भी ये होगा कि जो H2CO3 है ना, वो इसको आके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, वो इसको न्यूट्रलाइज आके करने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो कैसे, वो इस तरह से H2CO3 जो है ना वो हाइड्रोक्सलाइन से मिलेगा, और ये पता क्या करेगा इस केस में, मजे की बात देखें जरा, ये हाइड्रोक्सल आयन और H2CO3 जब मिलेंगे ना, वाटर बनेगा इस केस में भी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो वाटर तो लाजमी बनेगा, ठीक है, और साथ इसके बनेगा HCO3-1, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब आपके जहन में ये होगा कि न्यूट्रल तो हो गया ये चीज, ठीक है, तो ये तो फिर एक बेस बन गई, नहीं, लेकिन ये जो बेस बनी है ये वीक बेस है, ये वीक बेस है, वीक बेस ब्लड की पीएच को चेंज नहीं करती जल्दी जितना इजीली ये स्ट्रांग बेस करती है, तो स्ट्रांग बेस को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है, और रिएक्शन ये जो है ना, इसने क्या किया, बाइकार्बोनेट आयन की जो कंसंट्रेशन है ना उसकी थोड़ी सी बढ़ा दी, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट फर्दर होगी आगे जो दो सिस्टम आप अभी पढ़ेंगे ना, रीनल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी जो बफरिंग है ना, ये जो एक्सेस में ये थोड़ा सा बना है, ठीक है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, और ऊपर से वीक भी है, ठीक है, लेकिन इसकी भी एडजस्टमेंट हो जाएगी, वो कैसे, इसके साथ फिर आगे एक्शन में आएंगे दूसरे, रीनल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो कैसे, वो मैं अभी आपको आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इस तरह से केमिकल का जो केमिकल बफरिंग सिस्टम है बॉडी का, दैट कंप्राइजेस acidic and basic substances like weak acids or weak bases in the form of carbonic acid,
और इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, इसे बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं और इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो ये इस तरह से पीएच की एडजस्टमेंट करते हैं और उसको चेंज होने से रोकते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया है। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, फिर मैं आगे चलता हूं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? Any question? Why all acid do not react with? क्या मतलब? Why all acid do not react with? रिएक्ट तो वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो हाइड्रोक्सा आयन को ले सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं अपने साथ, लेकिन अगर इन केस के जो है ना, फिर भी मैं कहता हूं कि कोई एसिड ऐसा है कि जो हाइड्रोक्सा आयन के साथ रिएक्ट नहीं करता, चलो मान लिया सारे नहीं करते, वो जो नहीं करते उनकी असल में आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। उनकी आयनिक स्ट्रेंथ जिसको हम PKa बोलते हैं, PKa, उनकी PKa वैल्यू बहुत ज्यादा, तो वो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं लेते। क्यों? वो एक्सट्रीमली वीक एसिड्स हैं कि वो हाइड्रोक्सिल आयन को लेते नहीं है, उल्टा देने की तरफ उनकी टेंडेंसी होती है, होते वो एसिड है लेकिन उनकी आयनिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक होती है। जितने किसी एसिड की आयनिक स्ट्रेंथ वीक होगी, ठीक है, उतना ज्यादा वो वीक एसिड होगा, ठीक है। इसी तरह जितने ज्यादा किसी बेस की आयनिक स्ट्रेंथ वीक होगी तो उतना ज्यादा वो वीक बेस होगा। आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आयन को लिबरेट करना अपने में से या आयन को एक्सेप्ट करना। अगर एसिड है तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी कि वो हाइड्रोजन आयन को अपने में से लिबरेट करता है तो कितनी आसानी से करता है, अगर वो इजीली नहीं करता तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ वीक है। आयनिक स्ट्रेंथ को मेजर करने का जो पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड PKa, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा है PKa वैल्यू उसकी, तो मतलब उसकी आयनिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक है, वैल्यू PKa की अगर ज्यादा है तो, ठीक है। ये आप आगे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आएगा ये आगे बायोफार्मास्यूटिक्स के चैप्टर्स में, ठीक है। तो वो अगर उसकी आयनिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक है तो फिर वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, आई समझ बात में? हाँ जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आप नेक्स्ट सिस्टम आ जाओ, रेस्पिरेटरी बफरिंग सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पे मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी नहीं है, मैं उसकी इन्वॉल्वमेंट आपको बता रहा हूँ बफरिंग सिस्टम में, बफरिंग फंक्शन में या एक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए जी, रेस्पिरेटरी बफरिंग सिस्टम। देखें इसमें क्या है कि रेस्पिरेटरी बफरिंग कैसे होती है, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इस तरह से कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो है ना, ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ गया है, CO2 का लेवल बढ़ गया, फॉर एग्जांपल। एक बात याद रखिएगा, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा ना ब्लड में, जितना ज्यादा CO2 का लेवल ज्यादा होगा, तो उतना ज्यादा पता क्या होगा, CO2 वाटर के साथ ब्लड में से ही अटैच होके तो कार्बोनिक एसिड बना देगा, H2CO3 ये बना देगा। अब ये तो एसिड है, ये तो एसिडिक इन नेचर है, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। और ये मजे की बात है, ये केमिकल बफरिंग सिस्टम का हिस्सा भी है। तो अगर CO2 का लेवल किसी वजह से ब्लड में ज्यादा है, ठीक है, तो H2CO3 की प्रोडक्शन तेज हो जाएगी, तो ब्लड की पीएच एसिडिक होना चाहेगी, ब्लड की पीएच एसिडिक होना चाहेगी। अब पता क्या होगा, ये देखो अल्लाह ताला ने कैसा कैसा सिस्टम रखा हुआ है, CO2 का लेवल ज्यादा हुआ, उसने वाटर के साथ अटैच करके कार्बोनिक एसिड बनाया जो कि एसिडिक होता है, और ब्लड की पीएच जो है वो एसिडिक होना शुरू हो गई। अब इसको फौरन एडजस्ट भी करना है, और ये एडजस्टमेंट की खुद ही कर लेगी,
इन्वॉल्व ये होगा सिस्टम करेगी, ये स्टिमुलस ये होगा, ये पता करेगा एक तरफ तो ये बना रहा था, साथ ही साथ पता क्या होगा, ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पे, मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा वहां पे, ये कीमो रिसेप्टर्स जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लड में लेवल को सेंस करते हैं, जैसे ही ये CO2 का लेवल ज्यादा हो तो ये इसको सेंस करते हैं कीमो रिसेप्टर्स, तो ये क्या करते हैं, ये मेडुला ओब्लांगेटा में होते हैं, तो वहां से ये मैसेज भेजते हैं पॉन्स में, ब्रेन स्टेम का पार्ट है पॉन्स, वहां पे होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, फिर सुन ले, जब ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाए तो वो क्या करता है, वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होकर ब्लड की pH को एसिडिक करना शुरू कर देता है, साथ के साथ ये खुद ही इसकी लेवल जैसे जैसे फर्दर बढ़ता है ना, तो ये मेडुला ओब्लांगेटा में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं CO2 की डिटेक्शन करते हैं इसके लेवल को, अगर ये लेवल चूंकि बढ़ रहा है कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं मेडुला ओब्लांगेटा में प्रेजेंट होते हैं, ये वहां से ये एक्टिवेशन मैसेज भेजते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को जो पोन्स में होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर जब एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर जब भी एक्टिवेट हो तो ये ब्रीदिंग रेट को तेज कर देता है, ब्रीदिंग रेट को तेज कर देता है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन हो गई, हाइपर वेंटिलेशन से क्या होगा, एक्सेसिव CO2 की एक्सहेलेशन होगी, एक्सहेलेशन रिमूवल, ठीक है, एक्सेसिव CO2 रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव एक्सहेलेशन, क्योंकि ब्रीदिंग रेट तेज हो गया है, अब CO2 ज्यादा से ज्यादा रिमूव होगी, ये ऊपर वाले एरो के साइन का मतलब है इंक्रीज्ड, अब CO2 का लेवल जब CO2 की जब ज्यादा से ज्यादा रिमूवल होगी तो ब्लड में ऑब्वियसली इसका लेवल, ये देखना जरा, इसका लेवल ब्लड में कम होता जाएगा, जब इसका लेवल ब्लड में कम होगा कार्बोनिक एसिड की सिंथेसिस कम होगी, ब्लड की pH जो एसिडिक हो रही थी वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगी, तो pH जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बफरिंग सिस्टम का जो फंक्शन है, मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है, इसी तरह आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं आप, कि अगर इन केस CO2 का लेवल कम है, कार्बोनिक एसिड की सिंथेसिस कम है, ठीक है, देखें एक बात याद रखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना वो स्टिमुलेट रहेगा तो सांस चलता रहेगा, ब्रीदिंग चलती रहेगी, जितनी उसकी स्टिमुलेशन होगी उस हिसाब से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो ब्रीदिंग की स्पीड को मेंटेन करेगा, अब अगर CO2 का लेवल कम है, CO2 का लेवल अगर कम है यहां पे, तो कार्बोनिक एसिड की सिंथेसिस भी कम है, ब्लड की देखें जरा गौर करना, CO2 का लेवल कम है, कार्बोनिक एसिड की सिंथेसिस कम है, तो ब्लड की pH एसिडिक नहीं हो रही, उल्टा बेसिक की तरफ जा रही है, जानते हो क्यों, क्योंकि एसिड की ये देखें ये बफरिंग सिस्टम का हिस्सा था ना कार्बोनिक एसिड, इसकी सिंथेसिस अगर बहुत कम हो जाए तो ऑटोमेटिक सी बात है जो बफरिंग सिस्टम ब्लड के अंदर मौजूद है ये ऑटोमेटिकली इसका लेवल बढ़ रहा है उससे, अनकंट्रोल्ड हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी सिंथेसिस एक सोर्स की वजह से कम हो गई है CO2 के कम होने की वजह से, वो क्यों कम हुई है CO2 की वजह से वो अगली बातें हैं, वो आप पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ब्लड की pH जो है वो इस बेसिक की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो जाएगी, अब क्या होगा, अब CO2 की लेवल कम है ना ब्लड में, इसकी कमी की वजह से कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, कीमो रिसेप्टर की एक्टिवेशन जब रुक जाएगी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्टिवेशन भी स्लो हो जाएगी ब्रेन में, ये इसकी एक्टिवेशन भी स्लो है, अब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्टिवेशन स्लो हो जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ब्रीदिंग भी स्लो हो जाएगी, जब ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी तो हाइपोवेंटिलेशन, ब्रीदिंग कम हो गई है हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग कम हो गई है तो मतलब अब CO2 ब्लड के अंदर डिटेन करेगा, एक्यूमुलेट होगी, अब CO2 जब ब्लड में उसका लेवल बढ़ेगा, एक्सहेलेशन उसकी कम हो जाएगी, मतलब उसकी रिमूवल कम हो जाएगी, तो जब उसका लेवल ब्लड में इंप्रूव होगा तो वो फिर कार्बनिक एसिड की लाजमी बात है प्रोडक्शन इंप्रूव होगी और ब्लड की pH भी एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी, तो रेस्पिरेटरी बफरिंग सिस्टम का ये फंक्शन था इन दी मैनेजमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज या फ्लूइड्स pH, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, हाँ जी एनी क्वेश्चन,
किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलो नेक्स्ट। थर्ड सिस्टम बफरिंग का, रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम या मेटाबॉलिक सिस्टम भी उसको कहते हैं। रीनल और मेटाबॉलिक सिस्टम। देखें ये कैसे, इसकी भी एग्जांपल से हम समझेंगे। आप जानते हैं कि बोमेन कैप्सूल जो है उसमें ब्लड आता है इधर और फिल्ट्रेशन होती है उसकी, बोमेन कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल में। फिर आगे होती है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेबल। फिर लूप ऑफ हेनले आप जानते हैं, उसके थिक और थिन असेंडिंग लिंब होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनली कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो देखें मेरी बात सुने, ऑलमोस्ट जो जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है ना, यहां से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होती है, यहाँ पे जीएफआर जिसको आप कहते हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ब्लड चूंकि यहाँ पे सारे का सारा वन बाई वन यहाँ पे फिल्टर होने आता है, तो इसमें से तकरीबन सारी की सारी बाईकार्बोनेट आयन HCO3-1 जो है। फिर सुन लें, जब यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है ना, तो इसमें ऑलमोस्ट जो है ना सारी की सारी जो बाइकार्बोनेट आयन है वो यहाँ पे फिल्टर हो जाती है, HCO3-1। ये इसमें बोमेन कैप्सूल मतलब नेफ्रॉन की ल्यूमन में सारी की सारी फिल्टर आउट हो जाती है। ये जो फिल्टर आउट होती है इसमें से तकरीबन 80-90% जो है ना, 80-90%, हाँ, वो यहां से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वापस रीअब्सॉर्ब हो जाती है, रीअब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। जो बाकी कोई 10-5% है ना, वो बाकी लूप ऑफ हेनले से और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कुलेक्टिंग डक्ट से, यहां से हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम जो रीअब्सॉर्प्शन वापस ब्लड में, बैक इनटू ब्लड, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और बाकी जो उसकी परसेंटेज है वो लूप ऑफ हेनले या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कुलेक्टिंग डक्ट से होती है। तो आप जरा गौर करना कि ये कैसे एडजस्टमेंट में इन्वॉल्व है, रीनल सिस्टम जो है। अब अगर ब्लड में बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ गया किसी वजह से, हम पीएच चेंज करके देखेंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ब्लड की पीएच हो गई एसिडिक, सॉरी बेसिक, किसी वजह से ब्लड की पीएच बेसिक हो गई, हमने वन बाय वन दोनों केसेस देखने हैं ना, बेसिक वाला भी एसिडिक वाला भी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बेसिक हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? मेरा आपसे बल्कि क्वेश्चन है, अगर ब्लड की पीएच बेसिक हो गई, बाइकार्बोनेट यहां से रूटीन में सिक्रीट हो रहा है, तो क्या यहां से जो रीएब्जॉर्प्शन है वो कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? अगर ब्लड की पीएच बेसिक है तो किडनी का ये जो साइट्स हैं नेफ्रॉन के, ये यहां से इनको फिर जो बाइकार्बोनेट आयन है उसकी रीअब्सॉर्प्शन कम करनी चाहिए कि ज्यादा करनी चाहिए? हाँ
हाइपोवेंटिलेशन से इनहेलेशन भी स्लो होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? हाँ जी, हाइपोवेंटिलेशन से जो इम्पैक्ट होगा वो ऑक्सीजन पे होगा, वो ऑक्सीजन पे होगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो हम जब भी CO2 को अगर हम कंसीडर करें तो उसके साथ ऑक्सीजन ऑटोमेटिक आती है, दोनों का पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, अब इनहेलेशन अगर स्लो है तो ऑक्सीजन भी स्लो है, ऑक्सीजन भी कम आ रही है फिर इसका मतलब है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो दूसरी तरफ CO2 जो है उसका पार्शियल प्रेशर भी कम है। मसला तो तब खराब होता है कि जब एक जो है अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन का कम हो जाए, वहां पे फड्डा ज्यादा पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो CO2 का भी कम है तो रिस्क भी कम है। अगली बात जो इसमें सुन लें कि चूंकि ये एक डिजीज कंडीशन होगी, ये डिजीज कंडीशन होगी ना कि CO2 का लेवल कम है तो एक तरह से अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है सिचुएशन। ठीक है, तो अगर आप गौर करें इसमें तो इसके साथ साथ मैनेजमेंट, ये एक डिजीज कंडीशन है, हाइपॉक्सिया होगा, उसको साथ मैनेज करने के लिए ऑक्सीजनेशन की जो सिस्टम है वो तो चलेगा सारा साथ, वो इम्प्रूव करने की ऑक्सीजन को कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप ये गौर करें दूसरी तरफ, ये तो है ही है, एक और यहाँ पे नेक्स्ट ये एडिशनल एक चीज आ रही है कि ऑक्सीजन का लेवल चूंकि कम है, डिजीज कंडीशन है, तो ऑक्सीजन की कंजप्शन भी स्लो हो जाएगी ताकि उसका पार्शियल प्रेशर भी ड्रॉप ना करे साथ। पल्ले पड़ी बात? और मैंने ये क्वेश्चन पूछा था वो अभी तक आंसर नहीं आया। हाँ जी, कम होनी चाहिए री एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल। तो ये डिक्रीज हो जाती है, री एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है उसका। ये एक, ये देखें, ये बफरिंग एक्शन है कि ब्लड की पीएच बेसिक हो रही है तो हम क्यों ना बॉडी में से बेस को एक्सक्रीट करवाएं, खारिज करवाएं, एलिमिनेट करवाएं, तो किडनी अपनी रीअब्सॉर्प्शन के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, वो स्लो कर देते हैं। समझिए बात की। अच्छा, अब सवाल ये है कि स्लो कैसे करते हैं, कौन इनको इस काम पे मजबूर करता है? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर बॉडी की पीएच बेसिक है तो मुझे बताएं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से जो बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट होके नेफ्रॉन की ल्यूमन में आएगा वो ज्यादा आएगा कि कम आएगा अगर ब्लड की पीएच बेसिक है? आंसर जल्दी दिया करें, टाइम ना जाया करें करो जानवरों। कि ब्लड की पीएच बेसिक है तो ऑब्वियस बात है कि फिर ज्यादा से एक्सक्रीट से फिल्टर होके आएगा बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये ज्यादा फिल्टर होके आएगा तो जो नेफ्रान का रीअब्सॉर्प्शन वाला सिस्टम है, जो रीअब्सॉर्ब करने वाले उसकी मशीनरी है, वो सैचुरेट होगी कि नहीं होगी? सैचुरेट होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ऑब्वियस बात है जब कोई भी सिस्टम सैचुरेट हो जाए तो वहां पे फर्क वर्किंग कम हो जाती है, उसकी सैचुरेशन की वजह से फिर एक्सक्रीशन जो है ना वो ज्यादा होगी बाइकार्बोनेट की। ये ऑटोमेटिक अल्लाह ताला ने सिस्टम सेट किए हुए हैं, ऑटोमेटिक। समझ गई बात की। इसी तरह इसके अपोजिट ले लो कि अगर ब्लड की पीएच जो है वो हो जाती है एसिडिक, अगर ब्लड की पीएच हो जाती है एसिडिक तो इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट आयन की जो रीअब्सॉर्प्शन है किडनी में से वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी क्यों? क्योंकि सैचुरेशन नहीं होगी तो रीअब्सॉर्प्शन तेज हो जाएगी। तो पीएच की एडजस्टमेंट देखो किडनी कैसे कर रहा है। ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान में रखिए कि जो सबसे एफिशिएंट सिस्टम है ना तीनों में से, बफरिंग है फंक्शन जो सिस्टम जो है वो केमिकल बफरिंग सिस्टम सबसे ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल है। उसके बाद बारी आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, बफरिंग सिस्टम की, फिर सबसे जो इनमें से कमजोर है वो रीनल है। लेकिन रीनल सबसे कमजोर होने के बावजूद बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। हाँ जी, ठीक है, तो इनमें जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ रैपिडली जो एक्शन में आता है वो केमिकल सिस्टम आता है।
उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है और उसके बाद रीनल सिस्टम आता है। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है कि जब आप एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो ब्लड में CO2 का लेवल क्या होता है, ज्यादा के कम? मैं CO2 का पूछ रहा हूं, ऑक्सीजन को ना अंदर शामिल करना, CO2 का लेवल बढ़ जाता है। CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो अभी आपने पढ़ा है कि ब्रीदिंग पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगी कि कम होगी? ब्रीदिंग स्लो होगी कि फास्ट होगी? अभी आपने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि अगर CO2 का लेवल ज्यादा हो तो फिर हिजाब जहरा बेटा कम कहां से हो गई? अभी आपने पढ़ा ज्यादा होगी, चलो खैर ज्यादा होगी आपने अभी पढ़ा। मुझे बताएं ब्लड की पीएच पे क्या इफेक्ट आता है वैसे, जब आप एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं तो ब्लड की पीएच पे क्या इफेक्ट आता है? अल्केलोसिस यानी अल्केलाइन हो जाती है पीएच, या एसिडिक हो जाती है? बेसिक को हम अल्केलाइन भी कहते हैं। शाबाश, बेसिक हो जाती है। तो उस बेसिक को असल में न्यूट्रल करने के लिए जो है ना, आपने अभी पढ़ा है कि क्या होता है, सांस तेज हो जाता है, हाइपर वेंटिलेशन, वो असल में बफरिंग चल रही होती है, वो बफरिंग कर रहा होता है। कौन? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। बहरहाल उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फार्माकोलॉजी का चैप्टर है डायूरेटिक्स, उसमें। तो ये था रीनल सिस्टम का रोल। तो ये सब तीनों में से सबसे लेस जो एफिशिएंट है वो ये वाला सिस्टम है। हाँ जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, फिर मैं आगे चलूं। CO2 लेवल जब कम होगा, वो रिपीट कर दें, वो कैसे रेगुलेट होगा? देखो उसको समझने के लिए यही भाई, इसको ही फोकस करो। ये CO2 लेवल जब हाई हो, ज्यादा हो ब्लड में, तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिससे ब्लड की पीएच बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एसिड है तो ब्लड की पीएच एसिडिक होना शुरू हो जाती है। इसको बैलेंस करना है, ये बैलेंस भी खुद ही करवाएगी। कैसे? इसका लेवल जैसे ही बढ़ता है, एक तरफ ये हरकत करती है, साथ ही साथ ये कीमोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है। कहाँ पे? जो मेडुला में होते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं, ये फिर आगे ब्रेन का एक और पार्ट है पोन्स, उसके अंदर मौजूद होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। देखें अल्लाह ताला ने आपके पूरे बॉडी के जो फंक्शन है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए हर बॉडी के आर्गन का या फंक्शन का ब्रेन के अंदर कंट्रोल सेंटर रखा हुआ है। इसी तरह रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका कंट्रोल सेंटर भी है पोन्स में, ब्रेन के पार्ट पोन्स में, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। तो ये एक्टिवेट हो जाता है, जब ये एक्टिवेट होता है ये ब्रीदिंग को प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है, इंक्रीज करता है इसके रेट को, हाइपर वेंटिलेशन। इससे क्या होता है, अब ज्यादा से ज्यादा CO2 ब्लड में से रिमूव हो जाती है, एक्सहेल हो जाती है, खारिज हो जाती है लंग्स के थ्रू, सांस का रेट ज्यादा होने की वजह से। तो जब CO2 एक्सहेल ज्यादा होगी, रिमूव ज्यादा होगी, तो लाजमी बात है ब्लड में CO2 का लेवल कम हो जाएगा। इससे फिर ये ब्लड जो कार्बोनिक एसिड की सिंथेसिस है वो भी कम हो जाएगी, ब्लड की पीएच भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले एसिडिक की तरफ जा रही थी, अब फिर वापस वो अपने ओरिजिनल पॉइंट की तरफ आएगी। दूसरी तरफ अगर CO2 का लेवल कम हो जाए, इन केस अगर CO2 का लेवल कम हो जाए, चलो मैं इसको ब्लू इंक से यूज करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा? CO2 का लेवल अगर इन केस कम हो जाए तो इसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी, इसकी सिंथेसिस कम होगी तो जो ब्लड की पीएच है वो बेसिक की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, बेसिक, ठीक है। अच्छा बैलेंस खराब हो रहा है ना, किसका? कार्बोनिक एसिड का और HCO3-1 का।
ठीक है, ये तो मौजूद है, ये कम हो रहा है इसके लेवल, CO2 के लेवल कम होने की वजह से, ठीक है, तो ब्लड की पीएच फिर बेसिक होना शुरू हो जाएगी, इसकी एक्सेस ऑटोमेटिक बढ़ रही है। अब CO2 का लेवल कम होगा तो क्या होगा, कीमोरिसेप्टर की एक्टिवेशन स्लो हो जाएगी, एक्टिवेशन इनकी, पहले ये एक्टिव हो रहे थे अब नहीं होंगे, क्योंकि CO2 जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इनकी अच्छी एक्टिवेशन होती है। अब CO2 की लेवल कम होने से इनकी एक्टिवेशन भी कम हो जाएगी, जब इनकी एक्टिवेशन कम हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्टिवेशन भी कम हो जाएगी, जब इसकी एक्टिवेशन कम हो जाएगी तो सांस जो है ना वो भी स्लो हो जाएगी, हाइपो वेंटिलेशन, ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी, जब ब्रीदिंग स्लो होगी तो CO2 की जो रिमूवल या एक्सलेशन है वो कम हो जाएगी, उल्टा अब ये बॉडी में एक्यूमुलेट करेगी, ब्लड में एक्यूमुलेट होगी, जब ये एक्यूमुलेट होगी ब्लड में सांस का अमल स्लो होने की वजह से, ब्रीदिंग स्लो होने की वजह से, तो क्या होगा, CO2 की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो ब्लड की पीएच जो बेसिक हो रही थी ना वो इस एसिड के प्रोड्यूस होने की वजह से वापस न्यूट्रल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अब समझ आई, हमने उसको भी एसिड की तरफ लेके नहीं जाना, न्यूट्रल तक लाना है। सर हिली एरिया में CO2 लेवल इंक्रीज होने से ब्लड पीएच एसिडिक होती है। अच्छा जी, तो अभी इस स्लाइड पे लिखा है आपने, तो पहले जो आपने पूछा था उसका आंसर कैसे बेसिक हुआ बेटा, मैंने आपको ये बताया है कि वो असल में कंपनसेशन चल रही है, वो आप मैं ये यही तो CO2 के लेवल का अल्लाह ताला ने उसको फायदा रखा है कि एक तरफ वो पीएच को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है और खुद ही उसका लेवल जो है वो उसको एडजस्ट भी करना शुरू कर देता है, वो साथ के साथ एडजस्टमेंट हो रही है, पीएच बेसिक की तरफ जा रही है, वो एसिडिक की तरफ लेके जाना चाह रहा है। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, फिर मैं ये इनकी पैथो 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 फिजियोलॉजी जो है ना, या इनकी डिजीज स्टेट डिस्कस करनी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब इनकी डिजीजेस की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्केलोसिस। अल्केलोसिस अल्केलोसिस अल्केलोसिस, अब जो पहली बात कि उसका नाम बता रहा है अल्केलोसिस क्या बला है, कि इंक्रीज इन आर्टीरियल ब्लड पीएच, इंक्रीज इन आर्टीरियल ब्लड पीएच, ठीक है, तो कितनी, कहता है ग्रेटर देन 7.45, ग्रेटर देन 7.5, अगर ब्लड की पीएच 7.45 से अबाव चली जाए तो उसे हम कहते हैं अल्केलोसिस। अच्छा अजीब बात है कि मैंने जब, पता नहीं अब मुझे याद नहीं है कौन सा क्लास थी मेरी फार्म डे की, तो मैंने पता नहीं गालवन किसी टीचर ने बताया कि ब्लड की पीएच होती है 7.35 से 7.45, ये करें जो उन्होंने बताई, तो एवरेज अगर कहें तो 7.40। उन्होंने साथ एक बात की जो तब तो बड़ी समझ भी आई कि हाँ ऐसा ही होता होगा, उन्होंने ये कहा कि जो इस पीएच में अगर 0.5 का, 0.5 का, क्या पता नहीं 0.05 का
जो अगर चेंज आए तो बंदा मर सकता है। हमने कहा वाकई ब्लड बड़ा एक इम्पोर्टेंट सबसे एक समझा जाता है, बॉडी का ऑर्गन वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा होता होगा। मैंने फिर बाद में जब प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कुछ वो टेस्ट देखे ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट हॉस्पिटल में ओरिजिनल जेनवन, तो उनमें ब्लड की पीएच 6.8 तक भी देखी मैंने, लेकिन पेशेंट ठीक था, जिंदा था। ठीक है, तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि टीचर कंफ्यूज भी करते हैं। एनीवेज, अच्छा अब आगे चलते हैं हम। अल्कलासिस क्या है? इंक्रीज इन आर्टीरियल ब्लड पीएच, यानी ग्रेटर देन 7.45। कुछ लोगों ने हो सकता है लिखा हो कि ग्रेटर देन 7.5, कुछ ने लिखा होगा 7.42 से ज्यादा अगर हो तो। बहरहाल ये मिलता जुलता कि बेसिक की तरफ ज्यादा हो, जितनी रेंजेस आपने पढ़ी है ना अभी नॉर्मल में, जो मैंने आपको डिफरेंट ये बोली है, इनसे ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं अल्केलोसिस। अब अल्केलोसिस होती है दो तरह की, एक होती है मेटाबॉलिक अल्केलोसिस, मेटाबॉलिक अल्केलोसिस, और एक होती है रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस। अब आपको ना ये समझना बड़ा इजी लगेगा, जो भी आपको मैंने बेसिक वो फिजियोलॉजी करवाई है ना, तो आपको ये इजीली समझ आ जाना चाहिए अब। ठीक है, कि क्या होता है इनमें। इसको समझने के लिए एक स्टोरी मैं आपको बनाता हूं। पहले के पहले ना आप ये इनका जो है ना डिफरेंस समझ रहे हैं, सिर्फ ये कहना काफी नहीं है इंक्रीज इन आर्टीरियल ब्लड पी है जो है ना दैट इज कॉल्ड एज जो है अल्केलोसिस से कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें से मैं और इलाबोरेट करता हूं। ये जो आर्टीरियल ब्लड की पीएच बढ़ती है, इसके पीछे ऑब्वियसली लॉजिक होगी। लॉजिक क्या होगी? ठीक है, कि या तो बॉडी में से या ब्लड में से बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। किसका? एक्सेसिव लॉस ऑफ एसिड्स फ्रॉम बॉडी। सिर्फ ब्लड नहीं, बॉडी, बॉडी में से लूज हुआ तो मतलब ब्लड में से अल्टीमेटली लूज होगा। समझ ही बात की। तो या तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाए किसका, बॉडी में से एसिड का। ठीक है, या फिर और एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ या एक्यूमुलेशन ऑफ बेस इन बॉडी। यहां पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पे एसिड जो लूज होगा बॉडी में, जो के अल्केलोसिस की वजह बनेगा, उसका मतलब है हाइड्रोजन आयन। ये आयन है इसका मतलब, क्योंकि एक स्ट्रांग एसिड है और हमारी बॉडी में बड़ा एक्सेसिवली प्रेजेंट होता है हर जगह पे, तो इसका लॉस। तो प्रेजेंस ऑफ बेस बहुत ज्यादा, अगर या तो हाइड्रोजन आयन बॉडी में से लूज हो जाए बहुत ज्यादा तो भी अल्केलोसिस है, या फिर बॉडी में बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाए क्या बेस, कौन सी बेस, बहुत कोई भी हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली जो मोस्ट कॉमन है, जो मोस्ट कॉमन और पहले नंबर पे है, वो बाइकार्बोनेट HCO3-1, इसकी एक्यूमुलेशन है, इसे कहते हैं अल्केलोसिस। ठीक है, इसे कहते हैं अल्केलोसिस। अच्छा, तो ये वजह बनती है आर्टीरियल ब्लड की पीएच बढ़ने की, क्योंकि बेस बढ़ गया तो भी पीएच बढ़ेगी, तो हाइड्रोजन आयन बढ़ गया, कम हो गया तो भी ब्लड की पीएच बढ़ेगी, क्योंकि बफरिंग वो जो बैलेंस था एसिड बेस का वो खराब हो गया दोनों में से किसी के भी डिस्टर्ब होने से। दूसरी रीजन क्या हो सकती है आर्टीरियल ब्लड की पीएच बढ़ने की? वो होती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में कम होगा तो क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज्ड लेवल ऑफ H2CO3। अभी आपने पढ़ा है, ये देखें, अभी आपने पढ़ा है कि CO2 का लेवल ज्यादा हो तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा होता है, CO2 का लेवल कम हो तो कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन कम होती है। तो ये देख लें, अगर
CO2 का लेवल बॉडी में या ब्लड में कम हो तो कार्बोनिक एसिड की सिंथेसिस कम हो जाती है। आपको पता है कार्बोनिक एसिड असल में अल्टीमेटली फिर पता क्या प्रोवाइड करता है, ये हाइड्रोजन आयन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आप गौर करें CO2 का लेवल कम होने से एसिड कम हो गया, ये वाला हो या लामा अल्टीमेटली ये वाला हो, दोनों में से कोई भी ले लें आप, दोनों ही काम हो रहे हैं, दोनों ही काम हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशंस, ये सिचुएशन, ये सिचुएशन या ये सिचुएशन, तीनों की वजह से कोई एक वजह हो या तीनों हो या दो हो, ब्लड की पीएच बेसिक हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी, न्यूट्रल से बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी, नॉर्मल से ऊपर जा रही है, इसे कहते हैं अल्कलोसिस। अगली बात सुने, अगर तो वजह इनमें से कोई हो, यानी ये वाली या ये वाली, इनमें से कोई वजह हो, तो हम फिर इसे कहते हैं मेटाबॉलिक अल्केलोसिस, मेटाबॉलिक अल्केलोसिस। और अगर वजह ये हो, CO2 का लेवल कम होना, अब CO2 एक गैस है और हमारे ब्लड में होती है, और इसका रेगुलेटर कौन है, CO2 का रेगुलेटर कौन है बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर CO2 का लेवल कम हुआ तो लाजमी बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम का फड्डा पड़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्राइसिस में आया है। तो इस वजह से अगर ये मसला हो, ये पीएच बेसिक हो और अल्केलोसिस हो, तो इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस। इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस। समझ आई बात की? हाँ जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहां तक किसी का कोई इशू? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने लगा हूं, एक नहीं दो तीन क्वेश्चन है। अभी आपने केमिकल बफरिंग सिस्टम पढ़ा है, उसमें बाइकार्बोनेट का बड़ा रोल है आयन का, बल्कि आपने ये दोनों पढ़े, एसिड भी पढ़ा ये वाला, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, बाइकार्बोनेट भी, कार्बोनिक एसिड भी, और फिर आपने ये देख रहे हैं आप, ये रिएक्शन कार्बोनिक एसिड, ठीक है, बना किस सही से, ये अगर आप गौर करें तो मैंने इक्वेशन रिवर्सिबल दिखाई है, यानी CO2 वाटर के साथ मिलकर ये बना भी सकती है। ठीक है, अगर ये कार्बोनिक एसिड बना सकती है तो ये भी बना सकती है। असल में ये इस तरह से रास्ता इस तरह से है कि H2CO2 आपस में मिलके अगर ये बनाना हो तो दरमियान में एक और स्टेप भी है, क्या है, H2CO3। हाँ जी, ये सारे इंटरचेंजेबल प्रोसेसेस हैं, ये सारे चलते हैं, उल्टे भी चलते हैं, सीधे भी चलते हैं, डिपेंड करता है जरूरत क्या है बॉडी की और स्टिमुलस क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, इसकी प्रोडक्शन में भी CO2 इन्वॉल्व है? ठीक है, CO2 की प्रोडक्शन इसमें भी इन्वॉल्व है, कार्बोनिक एसिड में भी, और CO2 खुद भी इनका प्रोडक्ट है, खुद भी इनका प्रोडक्ट है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, CO2 का आपने अभी पढ़ा रेगुलेटर कौन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या मैं ये आपसे अगर पूछूं कि क्या केमिकल बफरिंग सिस्टम का रेस्पिरेटरी बफरिंग सिस्टम से ताल्लुक है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी बफरिंग सिस्टम का केमिकल बफरिंग सिस्टम से रिलेशनशिप है? बिल्कुल है, बगैर शक्को शुबा इनका आपस में ताल्लुक है और होना भी चाहिए, एक दूसरे के बगैर काम नहीं करता। अच्छा, थर्ड आ जाओ, रीनल सिस्टम का आपने देखा इफेक्ट किस पे है, बाइकार्बोनेट पे सिर्फ मेनली, हालांकि उसका आप अभी आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन पे भी बड़ा जबरदस्त किस्म का रोल है उसका, बहुत जबरदस्त किस्म का उसका रिलेशन है, वो इफेक्ट है हाइड्रोजन की मूवमेंट पे, आउट ऑफ द बॉडी या इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो अब चलो मैं सिर्फ अगर कहूं कि बाइकार्बोनेट आपने अभी पढ़ा कि बाइकार्बोनेट को मेनली अफेक्ट करता है कौन, ये रीनल सिस्टम, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बाइकार्बोनेट की इन्वॉल्वमेंट आप ये देख रहे हैं सारी हर जगह, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये कनेक्टेड है कि नहीं है केमिकल बफरिंग सिस्टम से, कनेक्टेड है कि नहीं?
जो रीनल या मेटाबॉलिक सिस्टम है, बफरिंग सिस्टम है, क्या वो केमिकल सिस्टम ऑफ द बॉडी से कनेक्टेड है कि नहीं? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, आपने मेटाबॉलिक या रीनल सिस्टम का भी रोल पढ़ा है बफरिंग में, कैसे? कि वो बाइकार्बोनेट आयन की एक्सक्रीशन यूरिन में करवाती है तेज या कम, यानी यार ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा करवा देती है या कम, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द बॉडी, या पीएच कैसी रखनी है, कितनी रखनी है, उस हिसाब से वो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन वापस ब्लड में या आउट ऑफ द बॉडी इन यूरिन जो है ना वो चेंज कर सकती है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि क्या ये कनेक्टेड है फिर केमिकल सिस्टम से कि नहीं? अब ये जो क्वेश्चन है ये तो मुश्किल नहीं था, ये तो आप किसी वो, बल्कि मैं कहता हूं मलिक रियाज से भी पूछो तो उसे भी पता होगा, हालांकि बिल्कुल अनपढ़ बंदा है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकला कि तीनों बफरिंग सिस्टम मिलके काम करते हैं, तीनों इंटरकनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि तीनों ही किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ प्ले करते हैं तीनों सिस्टम्स? बाइकार्बोनेट के साथ या इनडायरेक्टली कार्बोनिक एसिड के साथ, अल्टीमेटली तीनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अब वापस आ जाओ इन डिजीज की तरफ, तो अल्केलोसिस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस की है, रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस या मेटाबॉलिक अल्केलोसिस, अल्टीमेट देखे दोनों का रिजल्ट क्या है, वो रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस हो या मेटाबॉलिक अल्केलोसिस हो, दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है ये? ठीक है, थ्रू दीज सिस्टम्स। तो अब हम जो है ना पहले पढ़ लेते हैं मेटाबॉलिक अल्केलोसिस की डिटेल, ये कैसे होती है और क्यों होती है। देखें, एक स्टोरी सुने जरा। स्टमक में जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो, उनमें क्या होता है देखें जरा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पैराइटल सेल है, इसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं दो चीजें, ठीक है, कौन कौन सी? हाइड्रोजन आयन, इसको मैं थोड़ा इला बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, कि पैराइटल सेल में जो कुछ होता है वो हम देख लेते हैं। ये एक पैराइटल सेल है स्टमक में, लेट्स सपोज इसमें दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? एक हाइड्रोजन आयन और एक बाइकार्बोनेट आयन, HCO3-1। आपको पता है क्या होता है? जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है ना, वो स्टमक के ल्यूमन में सिक्रीट हो जाता है। अच्छा, जो बाइकार्बोनेट आयन है वो कहाँ जाता है? वो बैक साइड से ब्लड में चला जाता है, और जब ये ब्लड में एंटर होता है ना, इसके बदले में, इसकी एक्सचेंज में, यहाँ पे क्लोराइड आता है ब्लड में से, क्लोराइड आयन, और जो क्लोराइड आयन इसकी एक्सचेंज में एक पैराइटल सेल में आता है ना, वो एच हाइड्रोजन आयन के साथ यहाँ पे ल्यूमन में आ जाता है, ये जो क्लोराइड आयन आया, तो ये क्या सिक्रीट हो गया ओवरऑल? HCl, जिसको आप क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक एसिड। ये इस तरह का ही एक सिंपल तरीन मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है। हम सिर्फ अभी तक क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन आयन की प्रोटॉन पंप के थ्री लिबरेशन, नहीं, ये सारा इस तरह से चलता है। चलो जी, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है? होता ये है, अल्लाह ना करे कि किसी बंदे को वोमिटिंग हो बहुत ज्यादा, किसी बंदे को वोमिटिंग हो बहुत ज्यादा। अब वोमिटिंग जो होती है वो क्या होती है? एक्सपल्जन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पर्टिकुलरली स्टमक। स्टमक के जो कंटेंट्स हैं वो ओरल कैविटी के थ्रू स्पिट आउट होते हैं, एक्सपेल होते हैं आउट ऑफ द ओरल कैविटी। मुझे बताएं, ये वोमिटिंग की वजह से किसका बॉडी में लेवल कम होगा, बाइकार्बोनेट का या हाइड्रोजन का? बोले,
रोजा गई। मरियम नवाज बोध कैसे? बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं बता रहे कि उनकी क्या ओपिनियन है? हाइड्रोजन का लॉस होगा, हाइड्रोजन का। वोमिटिंग में क्या होता है कि जो स्टमक के जो कंटेंट्स हैं, जो कुछ स्टमक में मौजूद है, ठीक है, वो एक्सपेल आउट हो जाता है बॉडी ओरल कैविटी के थ्रू बाहर। वोमिटिंग का पता होना चाहिए आपको क्या होता है उसमें। फॉर्म डी किया हुआ है आप लोगों ने, ये तो बायोलॉजी के बच्चों को भी पता है, बल्कि बायोलॉजी की ये तो जिन्होंने मैथ और कंप्यूटर साइंसेज में डिप्लोमे या डिग्रियां कर रहे हैं उनको भी पता होगा कि वोमिटिंग में क्या होता है। वोमिटिंग में स्टमक के अंदर जो कुछ होता है वो बाहर निकल आता है ओरल कैविटी से। अब स्टमक में जो कुछ चीजें मौजूद है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ हाइड्रोजन आयन का और बाइकार्बोनेट आयन का, दोनों में से कौन बाहर आएगा? क्या दोनों या कोई एक? अगर कोई एक तो कौन सा? दोनों तो फिर बताओ दोनों। वो देखो ना कि कौन कहाँ पे होता है, कौन कहाँ पे सिक्रीट होता है। अभी मैंने आपको इसीलिए पहले बताया कि जो हाइड्रोजन आयन है वो पेराइटल सेल से वो स्टमक के अंदर एंटर हो जाता है, उसके ल्यूमन में, और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो ब्लड में चला जाता है, वो ब्लड में चला जाता है, ठीक है। तो अब जब वोमिटिंग होगी वो तो स्टमक के कंटेंट्स जो है ना वो बाहर निकल जाएंगे ओरल कैविटी के थ्रू। अब ब्लड के अंदर जो बाइकार्बोनेट तो ब्लड में जा चुका है, तो वो वहां से तो नहीं ना आएगा उधर स्टमक में बाहर निकलने के लिए ओरल कैविटी से वोमिटिंग की वजह से। वोमिटिंग के दौरान जो बाहर निकलेगा वो स्टमक के अंदर जो कुछ है वो निकलेगा। अब वहां पे हाइड्रोजन, बाकी चीजें जो हैं वो सो हैं, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन आयन लूज होगा। इसका मतलब मैं आपसे पूछना इन शॉर्ट ये चाहता हूं कि मुझे ये बताएं जो वोमिटिंग की वजह से एक्सेसिव वोमिटिंग, बहुत ज्यादा वोमिटिंग, सुवियर वोमिटिंग, बार बार रिकरेंट वोमिटिंग की वजह से अल्केलोसिस होती है कि एसिडोसिस होती है? ब्लड की पीएच अल्केलाइन होती है, हो जाती है कि एसिडिक हो जाती है? बोलें। मैं सब लोगों से पूछ रहा हूं। ठीक हो गया, अल्केलोसिस होती है। ओके अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। क्लोराइड का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्लोराइड आयन का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये जो इसे कहते हैं मेटाबॉलिक अल्केलोसिस। एक मिनट बेटा, अच्छा जी, और आगे चलते हैं। क्या वोमिटिंग के अलावा भी कोई रीजन है कि जो अल्केलोसिस की तरफ लेके जाए? जी बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन लेग्जेटिव यूज करता है, लेग्जेटिव्स 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 क्या होते हैं? विच आर यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखें, लेग्जेटिव सारे ऐसा नहीं करते, कुछ लेग्जेटिव्स ऐसे हैं जो जिनको हम स्टूल सॉफ्ट नर्व्स कहते हैं, स्टूल सॉफ्ट नर्व्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो स्टूल के अंदर ना वाटर कंटेंट वगैरह ये चीजें बढ़ाते हैं,
कुछ ऐसे हैं जो स्टमक के अंदर अपना एक्शन शो करते हैं। बहर अल्टीमेटली उनका काम होता है कि स्टूल को सॉफ्ट करके तो इवैकुएट करना बॉडी से। अब जो स्टूल को सॉफ्ट करेंगे वो लाजमी बात है वो अकेले स्टूल को नहीं इवैकुएट करेंगे, वो जो उसके अंदर मिक्सिंग करेंगे ना जूसेस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जूसेस की जो मिक्सिंग करेंगे स्टूल के अंदर, जो लैक्सेटिव्स होते हैं वो जो मिक्सिंग करेंगे जूसेस की, अब उन जूसेस में वही बात फिर आ गई, हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है क्योंकि भाई कार्बोनेट तो मेनली ब्लड में चला जाता है, हाइड्रोजन आता है जीएटी के अंदर पर्टिकुलरली स्टमक में। अब जो हाइड्रोजन स्टमक में, ये वही बात पुराने वाली है जो अभी मैंने की है, ये जो मौजूद है जब स्टूल जो है वो मिक्स करेगा जीएटी जूसेस को वाटर को स्टूल के साथ, तो वो हाइड्रोजन आयन उसमें भी जाएगा। तो एक्सेसिव यूज ऑफ लैक्सेटिव जो है वो भी हाइड्रोजन आयन की रिमूवल ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, तो ब्लड में हाइड्रोजन आयन का लेवल कम हो सकता है, दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन अल्कलोसिस। तो अल्कलोसिस का देखो इस वजह से भी चांस होता है, समझ गई बात की। तो उसके अलावा और कौन सी कंडीशन है जो कर सकती है ये, मतलब ये अपना अल्कलोसिस, और कौन सी रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा हार्ट फेलियर जो है वो भी करवा सकता है, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये पेपर में पूछते हैं, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। फिर वो आप लोगों को पता है लीकोराइस का, लीकोराइस इसके बारे में भी है कि ये भी अल्कलोसिस करवा सकता है, इसका यूज लीकोराइस, लीकोराइस जो है ना, ये तस्वीर अगर पड़ी हुई तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ना हर्ब है ग्लाइसराइजा ग्लैबरा, मेरा ख्याल है इसको मलट्ठी कहते हैं, मलट्ठी हमारे पाकिस्तान में ये बड़ी कॉमनली यूज करते हैं लोग फोकलर मेडिसिन में। फोकलर मेडिसिन का मतलब सुनी सुनाई मेडिसिन, लोगों हकीमों ने बताई, मलट्ठी कहते हैं ये ना, जिसको खांसी हो गला खराब हो उसको ये देते हैं, ठीक है, वो इसको यूज करता है खाता है, तो लिकोराइस इसको कहते हैं। इसकी वजह से भी कहते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन है ना वो काफी जो है ना वो वेस्ट होता है, तो ये भी इन्वॉल्व है कि ये वोमिटिंग, वैसे ये खुद वोमिटिंग भी करवा सकती है जो है ना, लेकिन इनडायरेक्टली वोमिटिंग अगर हो तो हो, जरूरी नहीं होती, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन को बॉडी में से ओरल कैविटी में लाती है और जाया करवाती है, ठीक है। अच्छा फिर उसके अलावा एक और सिचुएशन है, उसको कहते हैं वो एक बीमारी क्या, बार्टर सिंड्रोम, बार्टर सिंड्रोम, बार्टर सिंड्रोम, बार्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो बार्टर सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है, ये ना एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक। इसमें क्या होता है कि यूजुअली इसमें ये होता है कि जो जीआईटी ल्यूमन है ना, ठीक है, जीआईटी ल्यूमन, ये इसमें से साल्ट की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती, सॉरी साल्ट जो, सॉरी जो अपना है ना आपका किडनी, वहां से रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की या साल्ट्स की, डिक्रीज्ड, क्या है ये बीमारी, डिक्रीज्ड प्री एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, फ्रॉम ल्यूमन ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है, ये नहीं होने देती। अब ये जो सॉल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इसमें मोस्टली जो साल्ट जिन्होंने रीअब्सॉर्ब होना होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल या कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन सिर्फ यही इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत सारे और भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक साल्ट या ऑर्गेनिक बेसिस या एसिड्स कहते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो उनकी जब रीअब्सॉर्प्शन जिनकी ये रोकते हैं ना बार्टर सिंड्रोम, ठीक है, उनमें ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो रीअब्सॉर्ब नॉर्मली तो होते हैं किडनी की नेफ्रॉन की ल्यूमन से वापस ब्लड में फिल्टर होने के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, लेकिन इस केस में वो नहीं हो पाते, ब्लड की पीएच बेसिक होना शुरू हो जाती है, तो ये भी एक रीजन है जो है ना अल्केलोसिस की। फिर उसके अलावा सम क्लासेस या टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स, सारे तो नहीं, कुछ डायूरेटिक्स, ठीक है, वो आप फार्माकोलॉजी के सेक्शन में पढ़ेंगे, तो डायरेटिक्स भी क्या करते हैं, ब्लड की पीएच को बेसिक कर सकते हैं, कुछ एसिडिक भी करते हैं, तो वो कौन से और कैसे करते हैं वो हम
आगे वाले इंशाल्लाह चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, फिर मैं आगे चलूं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? हार्ट फेलियर में कैसे एल्कोलोसिस हुआ, ये आपको बताऊंगा मैं जब आपको हार्ट फेलियर पढ़ाऊंगा तब। इसका बड़ा लंबा मैकेनिज्म है, ये असल में रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स कुछ होते हैं उनकी वजह से होता है। अभी ब्रीफली आएगा, अभी आएगा, थोड़ा सा मैकेनिज्म आएगा कि हार्ट फेलियर में ऐसा क्यों होता है, कैसे एल्कोलोसिस होती है। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा मेरी बात सुनिए, जब ये डेवलप होता है एल्कलोसिस, तो बॉडी के जो बफरिंग सिस्टम्स हैं वो कोशिश करते हैं कि इसको बैलेंस करें, इसको मैनेज करें, वो करते रहते हैं जब तक वो फंक्शनल रहते हैं। लाइक केमिकल बफरिंग सिस्टम आपने पढ़ा, लाइक आपने ये पढ़ा जो है रेस्पिरेटरी बफरिंग सिस्टम, आपने रीनल बफरिंग सिस्टम, ये सारे पढ़े हैं ना, ठीक है, ये कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। लेकिन जब तक ये करते रहेंगे होता रहेगा, लेकिन अगर 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 वजह जो है एल्केलोसिस की, अगर वो मैनेज नहीं की गई, यानी वोमिटिंग चल रही है या जो भी काजेज, अभी आपने ये काजेज आपके सामने लिखी हुई है, ये काजेज अगर आपने मैनेज नहीं की, तो फिर ये बफरिंग सिस्टम जो आपने तीनों पढ़े हैं ना, वो काम नहीं करेंगे, उनके बस की बात नहीं रहेगी, तो फिर एल्केलोसिस अपियर हो जाएगी, पीएच रियलिटी में एलिवेट होके बेसिक की तरफ जाएगी, ठीक है। अच्छा एनीवेज, तो अब क्या क्या होता है, और जब अल्केलोसिस हो जाए, जब अल्केलोसिस हो जाए तो क्या क्या होता है वो देखते हैं। देखें कुछ चीजें अभी ब्रीफली मैं बताऊंगा, वो आगे डिटेल में फार्माकोलॉजी में आएंगी, तो उसमें ये देखें होता ये है कि जब ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन का लेवल बढ़ जाए, अल्कलासिस में ये पढ़ रहे हैं ना आप, अल्कलासिस है, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन का ब्लड में लेवल बढ़ गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर जब इसका लेवल बढ़ेगा तो गौर करना क्या होगा, पोटेशियम पे क्या इफेक्ट आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनो जरा। अल्केलोसिस का वक्त चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है किडनी में, ये बताएं अगर ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा है तो किडनी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर हो जाएगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा? किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ये ज्यादा फिल्टर होके जाएगा नेफ्रॉन में कि कम? ज्यादा, ठीक हो गया। अब अगली बात, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को डायूरेटिक्स याद है ना, जो आपने सेकंड ईयर में पढ़े थे, तो मुझे बताएं सोच के कि जो बाइकार्बोनेट आयन है वो जब रीअब्जॉर्ब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो वो अकेला होता है कि उसके साथ कोई और आयन जो है वो भी रीअब्जॉर्ब होता है, और कौन सा आयन इसके साथ रीअब्जॉर्ब होता है बताएं जरा। सोडियम, जानवरों सोडियम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जहां पे बाइकार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्ब होता है ना, उसके साथ एक एक्सचेंजर होता है जो हाइड्रोजन को ल्यूमन में भेजता है और बदले में सोडियम को अंदर भेजता है इंटरस्टीशियम की तरफ,
मैं आपको यहां वैसे बाय दी वे बता रहा हूं, फिर सुन लें। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जहां पे बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब होके वापस ब्लड में जाता है, तो उसके साथ साथ सोडियम भी जाता है। अगर इन शॉर्ट आपको याद हो तो डायूरेटिक्स इसकी रीअब्सॉर्प्शन को रोकते हैं, ठीक है? तो क्या कहा जाता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन को रोकते हैं। कौन से डायूरेटिक्स? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। यहां पे मैं डिटेल नहीं उनकी बात कर रहा, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको वैसे फिर बता देता हूं कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो बाइकार्बोनेट आयन जब रीअब्सॉर्ब होता है 80-90%, ठीक है, तो उसके साथ साथ सोडियम भी होता है। ये साल्ट की फॉर्म में रीअब्सॉर्ब होता है, साल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अब किडनी ने तो कंपनसेशन करनी है, कुरेक्शन करने की कोशिश करनी है। अब किडनी जो है वो बाइकार्बोनेट आयन की जो रीअब्सॉर्प्शन है ना, उसको कम करना चाहेगा, उसको यूरिन में एक्सक्रीट करवाएगा, तो क्या साथ सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन भी रुकनी नहीं चाहिए फिर, क्योंकि वो इसके साथ ही रीअब्सॉर्ब होती थी। तो अब अगर किडनी जो है, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो अगर बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन को रोक रहा है, बाइकार्बोनेट आयन की, उसको उसकी रीअब्सॉर्प्शन को रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है, स्लो कर रहा है, कम कर रहा है, तो फिर सोडियम की भी ऑटोमेटिक सी बात है साथ होगी, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट के साथ साथ सोडियम भी रुक जाएगा रीअब्सॉर्ब होना, ब्लड में वापस जाना, कहां से? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सोडियम भी यूरिन में लूज होगा कि नहीं, एक्सक्रीट होगा कि नहीं बाइकार्बोनेट के साथ, ये बताएं इतना जल्दी से, आंसर जल्दी दिया करो। ठीक हो गया, लेकिन सोडियम लूज होता नहीं, सोडियम निकलता नहीं है, फिर भी क्यों नहीं निकलता वो सुने जरा। सोडियम जब मूव करता हुआ, सुने जरा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रुक जाता है वो, मान लिया। जब ये सोडियम वहां से रीअब्सॉर्ब नहीं होता, तो ये लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से गुजरता हुआ जब ये जाता है ना कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये मैं आपको एक तस्वीर भेज रहा हूं, वो देखे जरा, वहां पे ये होता है। मैं तस्वीर आपको भेज रहा हूँ, इसको जरा देखें। ये कैटजंग की तस्वीर है, कैटजंग की जो बुक है ना उसकी, उसमें से ये ली गई है, तो इसको देखें जरा। ये व्हाट्सएप के ग्रुप जो है नहीं आपका, उसमें भेजी है मैंने, अभी देखें, फौरन निकाल लें इसको जरा। ये आप इसमें देखें, येलो कलर वाली जो साइड है ना, वो ल्यूमन है, नेफ्रॉन की ल्यूमन है, ल्यूमन नेफ्रॉन की, ठीक है, वो देखें, वो सोडियम वहां से आप अगर देखें तो वो लिखा हुआ है ENAC, ई का मतलब एपिथीलियल, ठीक है, NA का मतलब सोडियम, सी का मतलब चैनल। ये सोडियम जो ऊपर से बच गई थी ना, जिसको रोक दिया गया था रीअब्सॉर्प्शन से बाइकार्बोनेट के साथ, ये सोडियम यहां पे आके ना इस हिस्से में आके रीअब्सॉर्ब होके वापस ब्लड में जा रही है, वापस ब्लड में जा रही है। लेकिन जब, सुने जरा गौर से बात, ये सोडियम जब यहां से रीअब्सॉर्ब होती है तो क्या होता है, ल्यूमन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज था, वो रीअब्सॉर्ब होके अंदर चली गई वापस, ठीक है। अब ल्यूमन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए पता क्या होता है, उसको बैलेंस करने के लिए
दो दो पॉजिटिवली चार्ज आयन ल्यूमन में आ जाते हैं, ब्लड में से, ब्लड में से क्यों? कंपनसेशन के लिए, बैलेंस करने के लिए, अल्लाह ताला के ये सिस्टम है सारे। अब वो जो दो आयन्स आते हैं बदले में सोडियम के ब्लड में जाने की वजह से, उनमें से एक होता है पोटेशियम और एक होता है हाइड्रोजन। इसी डायग्राम में देखो, सोडियम के नीचे पोटेशियम को बाहर आता दिखाया गया है मूव करते हुए ल्यूमन में, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की ल्यूमन में, यूरिन के अंदर, यूरिन में। उससे बिल्कुल नीचे एक और सेल है, उसमें से हाइड्रोजन को भी दिखाया गया बाहर निकलते हुए। गौर करें जरा, समझ गई बात। अब अगर आप गौर करें कि सोडियम की इस हरकत की वजह से, मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोडियम की इस हरकत की वजह से मुझे बताएं ब्लड की पीएच पे क्या इफेक्ट आएगा? ब्लड की पीएच एसिडिक होना शुरू हो जाएगी कि फर्दर बेसिक होना शुरू हो जाएगी? फर्दर बेसिक होगी या एसिडिक होगी फिर सोडियम की इस हरकत की वजह से? बेसिक। क्यों? क्योंकि पहले ही हाइड्रोजन आयन की डेफिशिएंसी है ब्लड में, ब्लड की पीएच बेसिक है ऑलरेडी मेटाबॉलिकल कैलोसिस की वजह से। ऊपर से फर्दर जो है वो हाइड्रोजन आयन फर्दर यहां से एक्सक्रीट हो रहा है, मजीद एक्सक्रीट हो रहा है सोडियम की इस हरकत की वजह से। अपनी तरफ से तो किडनी ने पीछे बाइकार्बोनेट को रोका था बेहतरी करने के लिए, कुरेक्शन करने के लिए, लेकिन साथ उसके जो सोडियम को रोक गई ना ऑटोमेटिक, वो आगे आके वो जो रीअब्सॉर्ब हुई उसने क्या किया, हाइड्रोजन का और जाया करवाया हाइड्रोजन को, और मेटाबॉलिकल क्लासेस फर्दर जो है ना मैनिपुलेट हुई, एग्जेजरेट हुई। अच्छा, अब इस केस में अगर आप देखें क्या क्या हुआ, एक तो हाइड्रोजन पहले ही लूज हो रहा है बॉडी में से, हाइड्रोजन लॉस, क्लोराइड आयन का भी लॉस हुआ था, वो भी आपने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा अब और क्या लूज हुआ है? पोटेशियम का भी लॉस हुआ है, पोटेशियम का भी लॉस हुआ है। अच्छा, और एक और डायग्राम देखें जरा, एक और डायग्राम देखें जरा, बल्कि छोड़ें वो डायग्राम रहने दें, इन तीनों का लॉस हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ समटाइम्स फास्फेट का भी लॉस होता है, फास्फेट आयन का, उसका भी लॉस होता है। अब अगली बात बड़ी परेशान कुन ये है, वो सुने जरा, ब्लड की पीएच है, ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारी डिस्टरबेंसेस हैं मेटाबॉलिकल क्लोसिस की वजह से, यानी पीएच की डिस्टरबेंस ने, पीएच की डिस्टरबेंस ने इलेक्ट्रोलाइट को भी डिस्टर्ब कर दिया, कितने ज्यादा को। अगली बात सुने, जब ये डिस्टरबेंसेस होती हैं, बल्कि ब्लड की पीएच बेसिक है, क्या होता है आगे सुने जरा, ब्लड की पीएच जब बेसिक होती है तो हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का मसला ये है कि जब ब्लड की पीएच बेसिक हो तो ये आयोनाइज हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। जब ये आयोनाइज होती है तो पता क्या होता है, कैल्शियम आयन जो ब्लड में मौजूद है वो इसके साथ आके अटैच हो जाता है, वो इसके साथ आके अटैच हो जाता है, कैल्शियम आयोनाइज हो, जो एल्ब्यूमिन जब आयोनाइज होती है ना बेसिक पीएच, ब्लड की बेसिक पीएच की वजह से कैल्शियम आयन ब्लड में से इसके साथ आके अटैच हो जाता है। अब जब कैल्शियम इसके साथ आके बाउंड हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता कैल्शियम, ठीक है, इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है, होता ब्लड में है लेकिन बाउंड फॉर्म में है, काम का नहीं है, तो इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है। आप अंदाजा करो कितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, कितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स इसकी इस बेस पे अपियर होती जाएंगी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? मेटाबॉलिकल कैलोसिस क्या है, रेस्पिरेटरियल कैलोसिस का डिफरेंसेस, मेटाबॉलिकल कैलोसिस क्यों होती है और उसमें क्या होता है, और फिर कुरैक उसकी वजहात ये है, फिर उसकी मेटाबॉलिकल कैलोसिस की वजह से ये मसले कैसे पैदा होते हैं, जो भी आपको एक डायग्राम से भी बताया है, ठीक है, इनके रीजन बताई हैं, इन डिस्टरबेंसेस का रिजल्ट फिर क्या निकलता है, वो बात की बात है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? बस
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? पहले आपने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी, एसिड बेस बैलेंस की मेंटेनेंस कैसे होती है, कौन कौन से जो बफरिंग सिस्टम है करते हैं, उसके बाद फिर उनकी डिजीजेज में पहली आपने पढ़ी अल्केलोसिस, वो कैसे होती है, कॉजेटिव कॉजेस क्या है उसके, रीजंस, फिर उनकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स में डिस्टरबेंसेस कैसे कैसे आती हैं। तो यहाँ तक पढ़ा, यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो कोई क्वेश्चन और किसी का, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।